बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ उर्दू क्लास। उम्मीद है बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम नात पढ़ेंगे, पेज नंबर 104 निकालें। ये अमीर मिनाई ने लिखी है, इसका तारुफ खुद रीड कर लीजिएगा। 103 पेज पे है। सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सुनी हमने तोती और बुलबुल की बातें, तेरा तस्करा है तेरी गुफ्तगू है। जीऊं तेरे दर पे मरूं तेरे दर पे, यही मुझको हसरत यही आरजू है। जमे जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चार सू है। तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर, यही मेरी हुरमत यही आबरू है। यहाँ है जहूर और वहाँ नूर तेरा, मकाम भी तू ला मकाम भी तू है। जो बेदाग लाला हो, जो बेखार गुल है, वो तू है, वो तू है, वो तू है, वो तू है। अब आप इसके मीनिंग लिख लें बुक के ऊपर पेंसिल से। सबा सुबह की ठंडी हवा, बेशक बगैर किसी शक व शुबे के, बू खुशबू तोती परिंदा बुलबुल परिंदा, तस्करा जिक्र करना, गुफ्तगू बातचीत, जीऊं जिंदा रहना, दर चौखट, हसरत तमन्ना, तमन्ना ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो, आरजू ख्वाहिश, जमे उठे, जलवा जाहिर हुआ, यकसू एक जगह, चार सू चारों तरफ, रास्ता खाक मट्टी, आबरू इज्जत, जहूर जाहिर होना, नूर रोशनी, बेदाग बगैर दाग के, लाला सुर्ख रंग का फूल, बेखार बेखार गुल बगैर कांटों के फूल। इसके ऊपर है लामका हदूद से बाहर। अब अपनी नोटबुक ओपन करें, सवाल नंबर एक लिखें। सबा कहाँ से आती है? सबा मदीने से आती है। सवाल नंबर दो है, फूलों में किसकी खुशबू है? फूलों में मदीने की खुशबू है। सवाल नंबर तीन है, शायर के दिल में क्या हसरत और आरजू है? शायर के दिल में ये हसरत और आरजू है कि इसकी जितनी भी जिंदगी बाकी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर गुजरे और इसे मौत भी वहीं आए, यानी इसका जीना और मरना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो। अगला सवाल है, शायर अपनी हुरमत और आबरू किस बात में ख्याल करता है? शायर अपनी हुरमत और आबरू इस बात में ख्याल करता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में फना हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाए। अगला सवाल है, तोती और बुलबुल किसका जिक्र करते हैं? तोती और बुलबुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। अगला सवाल, इस नात के काफिये लिखें। इस नात में काफिये दर्जे ज़ेल हैं, तू को गुफ्तगू
आरजू तारसू बू जहूर और नूर। अगला सवाल है, इस नात में रदीफ क्या है? इस नात में रदीफ है, यानी है वाला वर्ड जो है वो रदीफ है। अगला सवाल है, लाले के बेदाग और गुल के बेखार होने से क्या मुराद है? जवाब लिखें, लाले का फूल अपनी खूबसूरती और रानाई की वजह से बहुत अहमियत रखता है, जिसकी वजह से ये दुनिया में लासानी है, मगर इसमें एक कमी ये होती है, इसमें दाग होता है। इसी तरह दूसरे फूल जो खूबसूरती में कमाल का दर्जा रखते हैं, लेकिन इनके साथ कांटे होते हैं जो तोड़ते वक्त हाथ को जख्मी कर देते हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बगैर दाग के और बगैर कांटे के एक खूबसूरत फूल है। अगला सवाल है, नात का मरकजी ख्याल लिखें। शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत का इजहार करता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जीना और मरना चाहता है, इसे हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के जलवे नजर आते हैं, अगला सवाल लिखें, नजम नात का खुलासा लिखें। शायद अमीर मिनाई कहते हैं कि सुबह की हवा में मदीने के फूलों की खुशबू है, सुबह की हवा में मदीने के फूलों की खुशबू है, परिंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में गुफ्तगू करते हैं, शायर ये ख्वाहिश करता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जिए और मरे, इसे हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नजर आता है। वो अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कुर्बान करना चाहता है, दोनों जहानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ऐब से पाक हैं। जी बच्चों, ये हमारी मशक कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसका हमने खुलासा और मरकजी ख्याल भी कर लिया है। ये बुक एक्सरसाइज जो है ये आपने खुद करनी है बुक के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।